जी 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 मैंने कहा जी और करे जी, तो कौन सी आवाज है शुरू में? जी यही जी, यही इसी जीन के ना, जी 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 हाँ, जिया जैसे कहते हैं ना जी, जून, अभी कौन सा महीना है, जुलाई, देखो शुरू में क्या आ रहा है, यही जी, ये या यही इसी जीन की आवाज आ रही है। हमारा पहला सबक उर्दू जबान को लेकर इसी जबान के हुरूफ के बारे में, जिनकी तादाद 53 है। रेडी? यस, यू आर रेडी, आई एम श्योर यू आर। तीन राउंड्स होंगे हमारे आज के इस सेशन के, कितने राउंड्स होंगे? तीन राउंड्स होंगे जी। जे क्या जी? जे जबर, शुरू में क्या है? जे, जेर, जबर, जेर, जबरदस्त, जेरदस्त, तो आ रहे ना जे 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 जी। जखीरा नहीं, वो तो जाल से होता है। और शाबाश, जैनब, जैनब है ना आपकी पोपो, जैनब, जैनब, जे से जैन, आपके कजन है, आपके बड़े चाचा के, आपके ताया के बेटे, जैन है ना जी, जैन, जैनब। और क्या है? जीनत, जीनत यानी खूबसूरती। तो ये शुरू में क्या आ रहा है? जे जे जे। लफ्ज कहते हैं जो कुछ हम जुबान से निकालते हैं, क्या होता है लफ्ज, जो कुछ मैं जुबान से निकाल रहा हूँ इस मुंह से, वो क्या है? लफ्ज, लफ्ज, ठीक है ना। ये हम आने वाले एक लेसन में हम बताएंगे कि ये लफ्ज क्या होता है और ये मानी और माना क्या होता है और ये हम अल्फाज और मानी क्या होते हैं, बहुत दिलचस्प इंशाल्लाह, हम इसे तफसील से डिस्कस करेंगे। اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کس طرح پڑھی لکھی بولی اور سمجھے جاتی ہے، باقی تمام زبانوں کی طرح اس زبان کے بھی انہی چاروں پوائنٹس کو لے کر ہم جی، ہم یعنی قاسم عثمان اور رفیع مجاہد، ماموں اور بھانجا بھانجا دونوں آپ کے سامنے، آج ہمارا اردو زبان سیکھنے کو لے کر پہلا سیشن، پہلا سبق اردو زبان کے اس پہلے لیسن میں، پہلے سبق میں اردو زبان میں استعمال ہونے والے تمام 53 لیٹرز، جی تمام 53 لیٹرز حروف، ان کی شکلیں، بنیادی شکلیں اور ان کی آوازیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اردو زبان کے ماہرین کو لے کر، مؤلفین کو لے کر، مصنفین کو لے کر، ادباء اور شعراء کو لے کر، ہمیں ایک فکر ضرور لاحق رہے گی، اس لیے کہ ہم دونوں کی مادری زبان، ماں بولی، مدر ٹنگ اردو نہیں، ہم پنجابی بولنے والے لوگ، بلکہ پنجاب میں بولی جانے والی ایک زبان جسے عرف عام میں جانگلی کہا جاتا ہے، وہ بولی جاتی ہے ہمارے علاقہ میں۔ تو ان تمام احباب جن کا میں نے ذکر کیا، یعنی اردو شعراء، اردو ادباء، اردو مصنفین، اردو مؤلفین اور اردو قارئین اور اردو سپیکرز یعنی بولنے والوں سے ایک گزارش کہ اردو زبان کو لے کر تکنیکی غلطیاں ہم سے سرزد ہوں گی، لسانی غلطیاں ہم سے سرزد ہوں گی،
उर्दू जुबान की बारीकियों को लेकर हमसे लगसेशें होंगी, कोताहियां होंगी, भूल चूक होगी। हम दोनों को माफ करने के साथ साथ हमारी इस्लाह करते रहिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु जज़ान खैरा। तो आइए हम अपने पहले सबक का आगाज करते हैं। हमारा पहला सबक उर्दू ज़बान को लेकर इसी ज़बान के हुरूफ के बारे में, जिनकी तादाद 53 है। रेडी? यस। यू आर रेडी? आई एम श्योर यू आर। 3 राउंड्स होंगे हमारे आज के इस सेशन के। कितने राउंड्स होंगे? 3 राउंड्स होंगे। मैं अभी एक हर्फ आपको दिखाऊंगा, आप उसे देखेंगे और मैं जब आपसे सवाल करूंगा तो आप उसे बोलेंगे। ठीक होगी बात? मेरे सवाल का आपने इंतजार करना है। बात क्लियर होगी? जी। नजर आ रहे हैं? जी। ये है आ। आ। क्या है? आ। आ। दोबारा कहिए। आ। दोबारा? आ। तो ये हर्फ है आ। दूसरा हर्फ अलिफ। दोबारा? अलिफ। तो ये है अलिफ। बे। दोबारा? बे। 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 तो इसे हम उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? बे। पे। दोबारा? पे। ते। दोबारा? ते। माशाल्लाह। ते। दोबारा? ते। माशाल्लाह। से। दोबारा? से। माशाल्लाह। जी। 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 मैंने कहा जी और करे जी। तो कौन सी आवाज है शुरू में? जी। ये जी। ये इसी जीम के ना? जी। जी। जी हाँ। जिया, जैसे कहते हैं ना। जी। जून, अभी कौन सा महीना है? जुलाई। देखो शुरू में क्या आ रहा है? ये जी। ये या ये इसी जीम की आवाज आ रही है। चे। दोबारा? चे। 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 चांद, चाकू है ना। जी। सुन, मार्च, आखिर पे कौन सी बात है? मार्च। ये कौन सी बात? वही चे की। और कर मार्च, चाकू, शुरू में कौन सी बात है? इसी चे की। समझ आ रही है ना बात की? जी। इस श्रम कहते हैं चांद। अब कौन सी बात है? चे। चे की। चार, चार। चाचा, चचा, आ रही है ना बात? जी। जी। हे। दोबारा? हे। माशाल्लाह। हम कहते हैं देखो ना, हलवा, हाजी कहते हैं ना। जी। हाजन, हुक्का, हे, हाजी, हे आ रही है ना शुरू में। हाजन, हलाल कहते हैं ना, हलाल, हराम। अल्लाह ने कहा ये करो, इसका मतलब वो हलाल है। अल्लाह ने कहा ये नहीं करना, इसका मतलब क्या है? हराम है। ठीक होगी बात? जी। खे। क्या? खे। खे। मसलन खरगोश, खात कहते हैं ना। जी, जी। और कोई लफ्ज़ आपके ज़हन में आ रहा है? खातून। खातून क्या? खातून। और कोई? खातून, खिता, खाकी, खाक, सुनो खाक, खाकी। लफ्ज़ शुरू में क्या रहा है? जी, हे, 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 हे। जी। दाल। दोबारा? दाल। दाल हम कहते हैं ना, दाल, दाल माश, दाल मसूर, दाल। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं दवात, बड़ा मशहूर है। दरख, दरवाजा कहते हैं ना शुरू में, क्या देखो ना? दाल। दाल, दाल आ रहा है। दाल। दान। जी। दाल। दोबारा? दाल। दाल, डाली, डरपोक है ना, डरपोक, डर, सुनोगे ना? जी। आदमी डरपोक है, मुझे डर लगता है, डा शुरू में आ रहा है ना। जी। बस समझ आ रही है ना, असल में ये क्या, ये आवाज है, ये जो हरूफ हैं असल में ये आवाजों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये असल में आवाजें हैं, ये बात याद रहेगी आपको। डिब्बा। डिब्बा सुनोगे ना? जी। डिब्बा, बात सुनी? ये आदमी क्या, ये नडर है, नडर, डर, नडर। ठीक हो जी। डंडा। डंडा आ गया ना, डाल, अंडा, ओह डाल आ गया ना अंडा में भी। डंकी, ये क्या होता है? गद्दा। जी। सुनो, डंकी। जी। जाल। क्या? जाल। जाल, जात, फलां की जात, ये है जी, अल्लाह की जात है जी, जात। अब जाकिर, जिक्र करने वाला, जिक्र, सुने ना, जाकिर।
जाकिर के जिक्र करने वाला, ठीक है, जाकिरीन, जाकिरा, बात समझ आई जी। अल्लाह ताला क्या है, वो जुल जलाल है, शुरू में क्या रहा है ये जाल। अब बात क्लियर होगी बात जी, रे क्या है, रे रे रेत, रेगिस्तान, सुने वो लफ्ज़ जी, और क्या होता है इसके अलावा, रास्ता, रा, और सोचो शाबस। अच्छा मैं लफ्ज़ बोलता हूँ और बताना कि ये जो रे कहाँ पे, कार एंड पे, एंड पे है ना, कार, कार आमद अब भी आ गया उसमें ना, कार आ रहे हैं जी, जी। इसका पैकेज, पैकेज आ गया ना जी, रे आ गया उसमें, और कहाँ पे आता है जरा देखिए, दरवाजा, देखो दरवाजा इसमें भी रे है ना जी, दरवाजा, दाल और रे, दरवाजा, रंज, रंज सुनोगे ना जी, जी। और कोई रोटी, रोटी, रोटी आ गया ना, रोटी रे से ना, रंज, और दर्जी, दर्जी, दाल भी आ गया, रे भी आ गया, दर्जी। तो असल में ये क्या है जी, जब हम लफ्ज़ बोलते हैं, कोई लफ्ज़ भी हम बोलते हैं, लफ्ज़ कहते हैं जो कुछ हम जुबान से निकालते हैं, क्या होता है लफ्ज़, जो कुछ मैं जुबान से निकाल रहा हूँ उस मुंह से, वो क्या है, लफ्ज़, लफ्ज़, ठीक है ना जी। हम आने वाले एक लेसन में हम बताएंगे कि ये लफ्ज़ क्या होता है, और ये मानी और माना क्या होता है, और ये हम अल्फाज और मानी क्या होते हैं, बहुत दिलचस्प, इंशाल्लाह हम इसे तफसील से डिस्कस करेंगे। तो बात क्या हो रही थी, दर्जी, दरख आ गए ना, रे दोबारा आ गए जी, और राज, अब ये करप्ट लोगों का राज है इस मुल्क पे, अल्लाह इनसे निजात दिलाए, अल्लाह इनसे निजात दिलाए, तो क्या कहते हैं हम, आमीन, आमीन, आमीन का मतलब क्या होता है, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, आमीन, ऐसा ही, अल्लाह आपको कामयाब फरमाए, आमीन, क्या मतलब, ऐसा ही, ऐसा ही है, अल्लाह ताला आपके वालिदैन को और खुशियां नसीब फरमाए, आमीन, आमीन, क्या मतलब, ऐसा ही, ऐसे, अल्लाह करे आपको ये आज वाला लेसन समझ आ जाए, आमीन, क्या मतलब, ऐसा ही हो, अल्लाह करे हमारे देखने वालों को हमारी ये सारी बातें अच्छी तरह समझ आ जाए, आमीन, क्या मतलब, ऐसा ही, हाँ देखो शुरू में आ रहा है, आ आ आ रहा है ना, कोई वाला, आमीन। आप किन लोगों का राज है, राज करप्ट लोगों का, देखो इसमें भी आ गया करप्ट, हमारे इस सूबे की हैं वो जो राज कर रही हैं, उसमें उसमें भी रे आता है, मरियम, हाँ। मरियम, वो मरियम आता है ना जी। रे सॉरी इफ आई वी आर हर्टिंग समवन से, रे दोबारा बोलिए, रे शाबाश जी है, रे 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 दोबारा बोलिए, रे शाबाश, रे माश। अब देखते हैं हम कोई लफ्ज बोलते हैं जिसमें ये आता हो जी, और करें जरा, पहाड़, पहाड़, और बाढ़, बाढ़ जो होती है फैंसी से कहते हैं, और कोई झाड़, 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 झाड़ना, वो घुसा कर देना या डस्ट करना, झाड़ना, झाड़ पे लाना, ठीक है जी, झाड़ू जिसे हम धूम कहते हैं, बात समझ आ रही है ना जी, जे क्या है जी, जे जबर, शुरू में क्या है, जे, जेर, जबर, जेर, जबरदस्त, जेरदस्त, तो आ रहा है ना, जे 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 जी, जखीरा नहीं वो तो जाल से होता है, और शाबाश, जैनब, जैनब है ना आपकी पोपो, जैनब, जैनब, जे से जैन, आपके कजन है, आपके बड़े चाचा के, आपके ताया के बेटे, जैन है ना जी, जैन, जैनब, और क्या है, जीनत, जीनत, जीनत यानी खूबसूरती, तो ये शुरू में क्या आ रहा है, जे, 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 ये क्या है, ये जलवाय, याला, ठीक है जी। इस तरह आपने सुना होगा टेलीविजन, सुना ना, विजन, उसमें भी क्या आता है, ये आता है टेलीविजन, विजन, विजनरी, वो जो जो दूर तक देख सकता हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो सोचता हूँ आने वाले वक्त को लेकर, ठीक है, लोगों से हट के हो, दुनिया को चेंज करने वाला हो, बड़ा आदमी, तो उसके पास क्या होता है, विजन, उसके दिमाग में तस्वीरें बनते रहती हैं आने वाले वक्त को लेकर। हमारे दिमाग में तो सिर्फ वही तस्वीर बनेगी ना जो हमें देख रखे हैं जी, लेकिन बड़े आदमी के दिमाग में क्या होता है, तस्वीरें बनती हैं, वो पहले से देख लेते हैं, बड़ा नहीं होता ना, बड़ा दिमाग होता, उन्हीं की वजह से दुनिया में क्या आती है, नई नई चीजें बनती हैं। और कोई लफ्ज, चलो जी ये आप पे छोड़ते हैं, और बहुत से लफ्ज हैं जिनमें ये हर्फ, हर्फे ये आता है जी, सोचिएगा जी, सीन, दोबारा सीन, सीन, अच्छा जरा देखिए, सेब, और सरोश, सरोश, साद, सकीना, नाम है सकीना, और सकून, और सकीफ,
वो तो से से आता है, सकीफ क्या है, से से है, वो हम शुरू पढ़ चुके हैं। और सब, सब बिल्कुल ठीक है, सब सांप हो सकता है ना, और स्पैरो, स्पैरो बिल्कुल ठीक है, चिड़िया जिसे हम कहते हैं। अभी सोचिएगा सीन, सीन शुरू में ये इस हर्फ की आवाज आनी चाहिए जिस तरह भी कासिम बता रहे थे। आप भी कुछ अल्फाज देखिएगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सब्जी क्या, सब्जी, सब्जी कहाँ पड़ी होगी, फ्रिज में। अब फ्रिज में देखो ना, फ्रिज रे आया ना, फ्रिज जीम आया कि नहीं, फ्रिज आया ना, और शुरू में क्या आ रहे हैं, देखते हैं क्या। तुर गए यार दिलां दे जानी, वतनू चुक मुहारा, उजड़ी बस्ती यारो नजरी आवे, कंड कीती जद यारा।